पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और मिर्ज़ापुर में थोड़े 3 प्लेटफॉर्म। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक हो गया आपका विशाल ब्लॉग 09 चैनल पे। दोस्तों आज अपन लोग यात्रा कर रहे हैं लोकमान तिलक भागलपुर एक्सप्रेस में, जो कि ये अपना पार्ट टू है, जो कि हम लोग अपने पहला पार्ट टू अपने नहीं देखा होगा तो जाकर पहले देख लीजिएगा, और नहीं देख लिया होगा तो अच्छी बात है, और पार्ट टू को इन्जॉय कीजिए अपने इटारसी जंक्शन से अपने बख्तियारपुर जंक्शन तक। तो चलिए इस जर्नी को इन्जॉय करते हैं। और स्लीपर का हाल एकदम जनरल क्लास का हाल देख रखे हो, मैं पीछे देख ही रहूँगी आप, और मेरा भी हाल कुछ बिगड़ा हुआ है। इटारसी आता है अपने वेस्ट सेंट्रल जोन के भोपाल डिवीज़न। तो बाकी इटारसी से हमने ये लिया मैंगो जूस, और जो कि हमें पड़ गया 45 रुपीज़ का, 40 रुपीज़ का दाम है, 5 रुपये ठंडा का चार्ज ले रहे भाई। तो ओवर प्राइजेस भी है इस ट्रेन के पेंट्री कार में, तो वो आप देख के लेना। बाकी स्टेशन से पानी वगैरह का बॉटल ले सकते हो, वहीं से 15 रुपये का भी मिल जाएगा। बाकी ट्रेन में 20 रुपये का लोकल पानी के साथ बेचा जा रहा है, तो आप लेना नहीं, अगर ले रहे हो तो भी हेल्पलाइन पे पर कॉल कर लेना दोस्तों। बाकी आपको स्टेशन पे भी खाने की सुविधा मिल जाएगी, और देख सकते हो अंडा बिरयानी वगैरह बेचा जा रहा है। इधर लगी हुई है अपनी पटना जनता एक्सप्रेस LTD की तरफ जा रही है अभी, और ये देखिए मंदू बनी हुई। तो दोस्तों बाकी गाड़ी डिपार्ट हो चुकी है इटारसी जंक्शन से। बाकी ये है दोस्तों, मैं आ चुका हूँ इसके वॉशरूम में, देख सकते हो मेरा वो थोड़ा बहुत क्लीन है। बाकी यहाँ देखिए गुटखा गैंग नहीं किया गया है, और यहाँ पानी आ रहा है, और बाकी एक फ्लश बटन दिया गया है, और यहाँ इंडियन स्टाइल वॉशरूम है, और यहाँ एक मग दिया गया है। बाकी नीचे थोड़ा बहुत गंदा है, और बाकी एवरेज है इसका वॉशरूम, लेकिन ये थोड़ा बहुत गंदा है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी अच्छा है। और यहाँ पे एक लाइट दिया गया है, ऊपर एक होल्डर है, बाकी ये बंद करने का। तो यही है कुछ इसका अपना वॉशरूम का इंटीरियर, और बाकी ठीक ठाक है। तो दोस्तों चलिए अब मिलते हैं अगले दिन आपको सुबह अपने मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन के पास, क्योंकि अभी तो रात का समय हो गया ना, तो इसके लिए तब तक के लिए आपको अभी के लिए फ़िलहाल गुड नाइट। Next morning. गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत हो चुका है आपका मिर्ज़ापुर, अपने यूपी में हम लोग आ चुके हैं अभी, और यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, और मिर्ज़ापुर में टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, और टोटल यहाँ 98 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं, 3 ओरिजिनेट और 3 टर्मिनेट करते हैं अपने मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन से, और ये आता है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ गाड़ी लगभग हमें कम से कम 25 मिनट डिले के साथ पहुँचाई है, यहाँ पर आने का समय था 6:05 और 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर, और तो अभी आई है 6:30 आई है एग्जैक्टली, और 2 मिनट रुकेगी और डिपार्ट हो जाएगी अपने मिर्ज़ापुर से। तो चलिए इसके बाद आप मिलते हैं आपको अपने DDU यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय में। तो दोस्तों गाड़ी डिपार्ट हो चुकी है अपने मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन से, तो चलिए अब मिलते हैं आपको DDU के पास। और दोस्तों बाकी ये है कोच का हाल सुबह, और जो दरवाज़ा वगैरह पूरा पैक है, तो 2 मिनट का हॉल्ट वगैरह रहता है ना, तो कवर नहीं कर पाते। मिर्ज़ापुर आता है अपने NCR जोन के प्रयागराज डिवीज़न में, तो अपने नॉर्थ सेंट्रल जोन में मतलब आता है अपना मिर्ज़ापुर। तो चलिए अब मिलते हैं आपको NCR जोन के DDU में यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय में, और ट्रेन तो रशी है फिलहाल, क्या करें, और वेटिंग लिस्ट है, तो वही नीचे सोए थे रात में। तो बाकी चाय लिया था, देखते टेस्ट करके बताते हैं आपको। बाकी मीठा है और उतना ये नहीं है टेस्ट, तो ये चाय की तरह नहीं लग रहा है, ये लग रहा है पानी पी रहे हैं, गर्म पानी है ना, सिर्फ मीठा है बस। बाकी इसको रेटिंग 10 में से 6 देंगे, स्पीड देखने को मिलेगा कवर करके। और ये यहाँ बॉक्सिंग के रेक्स खड़े हैं,
दोस्तों आ चुके हैं हम लोग DDU यानी अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय में, और यहाँ पर हम लोग आए हैं 5 मिनट डिले के साथ। यहाँ पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, यहाँ पर 7:50 का टाइमिंग था, 8 बजे यहाँ पर डिपार्चर है, और वैसे हम लोग आए हैं 5 मिनट डिले के साथ। और DDU आता है अपने खुद ब खुद ये ECR जोन का डिवीज़न है अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है जो कि अपना 12.5 किलोमीटर लंबा है। लगभग 1500 वैगन्स डेली अप एंड डाउन होते हैं वहाँ पर, और मतलब पर डे उसका ऑपरेशनल है 1500 वैगन्स। DDU जंक्शन के बारे में तो यहाँ पर टोटल 292 ट्रेनें होल्ड करती है, 8 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर 11 ट्रेन ओरिजिनल और 11 ट्रेन टर्मिनेट करती है अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। और जिसमें ये जंक्शन पॉइंट इसीलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन चला जाए गया की ओर, एक पटना की ओर, और एक लाइन जहाँ से हम आ रहे हैं जो अपने मिर्ज़ापुर से आ रहे हैं वो वाली लाइन, और एक लाइन वाराणसी की ओर, तो अच्छा काफ़ी बड़ा जंक्शन बन जाता है। तो चलिए अब मिलते हैं आपको डिपार्चर पे, और यहाँ पर आप सबको खाने पीने की सारी सुविधा मिल जाएगी, जैसे नाश्ता भी तो सुबह है तो नाश्ता वगैरह का सब मिल जाएगा यहाँ पर आपको। और अभी फुल फ्रूट्स वगैरह बेचा जा रहा है मेरे पीछे, देख सकते हो 10 का 2 बेचा जा रहा है बाहर। DDU के वेस्ट केबिन के पास कम से कम आधा घंटा बिफोर आई थी, और आते ही आते 5 मिनट डिले के साथ अंदर आई है। तो DDU के बाद हमको बैक टू बैक 130 का एक्शन मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे बिहार के अंदर। दोस्तों हम लोग DDU डिपार्ट कर चुके हैं, दोस्तों हमने आलू पकड़ा लिया है और बाकी टेस्ट करके बताते हैं आपको। दोस्तों ठीक है, बेस्ट है, तो भी अगर 30 रुपये का 3 ले रहे थे, मैं एक खा लिया हूँ तो टेस्ट करके पहले ही बता देता हूँ आपको, ऑलमोस्ट ठीक है बस, लेकिन इसको मैं 10 में से 9 रेटिंग देना चाहता हूँ, बाकी अच्छा है। तो दोस्तों गाड़ी पहुंच चुकी है अपनी बक्सर को, और बक्सर का स्टेशन कोड है BXR, और यहाँ टोटल 118 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और यहाँ 4 ट्रेन ओरिजिनल, 4 ट्रेन टर्मिनेट करती हैं, और बाकी हम लोग डिपार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग 2 घंटे डिले के साथ आए थे और बाहर में जा नहीं सका, तो दोस्तों गाड़ी पहुँच चुकी है दुमराह, और यहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट 2 घंटे डिले के साथ आए थे, और यहाँ पर अपने भाई मिलने आए हैं, तो चलिए मिलते हैं उनको। पहुँच चुकी है दुमराह, 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और यहाँ 36 ट्रेनें हॉल्ट करती है भाई। तो दोस्तों यहाँ पर अपने बाय बाय करते हुए, और चलिए हम डिपार्ट हो चुके हैं दुमराह को, और ये भाई अपने आए थे रघुनाथपुर से। तो दोस्तों गाड़ी निकल चुकी है दुमराह से, अभी मिलते हैं आपको आरा जंक्शन पे। तो दोस्तों अपनी गाड़ी पहुँच चुकी है अपने आरा जंक्शन को। तो दोस्तों बात कर ले आरा जंक्शन के बारे में, तो यहाँ टोटल 134 ट्रेनें हॉल्ट करती है, और 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और भाई 7 ओरिजिनेट और 7 ट्रेन टर्मिनेट करती है अपने आरा जंक्शन से। और दोस्तों गाड़ी का यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है, और भाई 1:45 डिले के साथ। तो दोस्तों आरा जंक्शन के बाद निकलते ही हमें मिला सोन नदी, जो सोन रिवर करके बोल जाता है, और अभी पानी सूखा था तो फिलहाल मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया। तो चलिए अब तो दानापुर में सीधे। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं दानापुर, और दोस्तों यहाँ पर 95 ट्रेनें हॉल्ट करती है, और 15 ट्रेन ओरिजिनेट और 15 ट्रेन टर्मिनेट करती है, और फिलहाल हम लोग डिपार्ट हो चुके हैं दानापुर से भी, तो यहाँ पर से एकदम स्लैक है। तो हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 आवर डिले के साथ आए थे, 1:45 डिले के साथ आए थे शायद। तो दोस्तों अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है बिहार के कैपिटल पटना में, और यहाँ टोटल ने पटना जंक्शन पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म है, और 70 ट्रेनें ओरिजिनेट और 70 ट्रेन टर्मिनेट करती हैं, और 116 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं, और हम लोग यहाँ पर आए हैं 1 घंटा डिले के साथ। यहाँ पर आने का समय था 12:30 बजे, और हम लोग यहाँ से डिपार्ट भी हो चुके हैं, और बाकी मैंने यहीं तक एंड जर्नी कर दिया। दोस्तों बाकी मैंने पटना जंक्शन तक ही जर्नी को एंड कर दिया था। तो बात करूँ जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में, तो ऑलमोस्ट ओवरऑल जर्नी ठीक ठाक है, और बाकी आप टिकट जो लेते हो ना तो आप लेना इसमें मतलब कंफर्म रहेगा तभी यात्रा करना, इसमें वेटिंग में आपको ना कोई रहम दिखाता है, और बाकी आप कन्फर्म टिकट रहेगा तभी इसमें यात्रा करिएगा, इससे ज़्यादा बेस्ट है आप 3rd AC में यात्रा करिए और अच्छा रहेगा। बाकी वैसे तो मिडिल क्लास के पब्लिक रहते हैं तो
नहीं कर पाते हैं, ये भी है। और बाकी आप देख सकते हो, और यह है मेरा फिलहाल जर्नी एक्सपीरियंस। और बाकी वॉशरूम भी ठीक ठाक था, OBHS स्टाफ बहुत लोग अच्छे से आके क्लीन करके चले गए, लेकिन उनको भी बहुत दिक्कत हुई थी, और रात में भी दो बार आके क्लीन किए हैं। और ऐसे ही मतलब ठीक है। बाकी पेंट्री कार में ओवर प्राइसिंग का खाना बेचा जाता है, तो आप उससे सतर्क रहिए। और मैंने तो सिर्फ जाके स्टेशन पे ही पानी लिया है, और बाकी इतना ही है। और बाकी जर्नी एक्सपीरियंस ओवरऑल मेरे लिए ठीक ठाक है, बाकी टिकट्स का आपको देख लेना पड़ेगा। बाकी चलिए, आपको ये जर्नी पसंद आई होगी तो एक लाइक एक सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते किसी एक नई वीडियो में एक नई शानदार ट्रेन जर्नी के साथ, तब तक के लिए जय।